नाम मोहम्मद मनाफ है, मैं सर्वर फॉर सेल का टेक्निकल डायरेक्टर CEO भी हूँ। FPCCI की ई कॉमर्स कमेटी जो है उसके अंदर मैं साइबर क्राइम का डिप्टी कन्वीनियर हूँ। ATM के अंदर जब आप जा रहे होते हैं तो जो उसका जो कीपैड होता है वहाँ पे बाकायदा वो अपनी स्किमर की डिवाइस कहलाती है, जब आप कार्ड अपना उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, निकालेंगे या कोड डालेंगे तो वो डाटा कॉपी होकर उनके पास सेव हो जाता है। इसका सबसे जो अच्छा तरीका होता है इसको रेमेडिफाई करने का वो ये होता है कि ATM मशीन पे जब भी आप जाएं, जहाँ पे आप ATM कार्ड डाल रहे हैं, जब मशीन में इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार उसको देख लें कि वो कहीं निकल तो नहीं रहा उसको सॉकेट, बेसिकली सॉकेट एग्जैक्टली वही शेप का है, इसको पहले खोल चढ़ा दिया होता है बेसिकली। इसी तरह जो कीपैड है उसको अगर आप कभी टच भी अगर आप कर रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपना हाथ रख के छुपा के करें, रादर देन के ओपनली आप लोग करें। और जहाँ पे भी आपको अगर शक हो रहा है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए बाकायदा इन्फॉर्म कर दें, वहाँ आप ट्रांजेक्शन नहीं करें। जब हम सिक्योरिटी की सर्वेलेंस की और अपने आप को सिक्योर करने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो उसमें जिम्मेदारी होती है वो यूज़र की अपनी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी आगे पहुँचाता है। हमारे ये है कि अगर कोई भी इस वक्त जो है आपको, आप किसी से भी पाकिस्तान में जाके शनाख्ती कार्ड पूछें बड़े मज़े से बता देगा, आप पूछे जी आपकी अम्मी का नाम क्या है बड़े मज़े से बता देगा। ये वो स्टेप की जिसको हम अपनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या इस चीज़ में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, कि लोगों से मालूम निकालो, हम बड़ी आसानी से वो दे देते हैं। तो इसी तरह आप जब कार्ड बनी की बात करें उसमें भी वो मालूम कहीं ना कहीं वो दे दी जाती है। मैंने पर्सनली खुद यहाँ तक देखा है लोगों को, एक ऑफिस में बैठा हुआ एक स्टाफ मेंबर, उसको ATM के लिए वो नीचे नहीं जाए, अपने किसी जो है सबऑर्डिनेट को कार्ड दे दिया, साथ में ATM का पिन भी बता दिया कि जाओ यार इसमें से इतने पैसे निकाल के ले आओ। तो ये चीज़ आपकी अपनी पर्सनल, आप खुद दूसरों को एक्सेस दे रहे हैं अपने मुँह से बता के। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। दुनिया में सिर्फ हमारे पेट्रोल पंप की बात करा, इट इंक्लूड्स रेस्टोरेंट, इट इंक्लूड्स एनी वेयर। जब आपने वेटर को या किसी को भी कार्ड दे दिया अपना स्वाइप करने के लिए, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में ही होता है। अभी जो एक चीज़ पाकिस्तान में अच्छी हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने पिन कोड भी आपके क्रेडिट कार्ड के साथ अटैच करवा दिए कि आप पिन कोड ले। रूल ये है इस चीज़ का कि आप जब भी किसी को अपना कार्ड दे रहे हो आप बोले मशीन लेकर आ जाओ मेरे पास। अब आजकल वायरलेस मशीन है, कॉमन है हर जगह। अगर वो ये कहते हैं जी मेरे पास मशीन नहीं है, तो आप गाड़ी साइड में रोक के या अपने सामने आप मेक श्योर करें वो कार्ड चार्ज करें, ना कि पीछे। अच्छा, अब अपने का नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये भी होता है कभी कभार कि उसने कार्ड आपका स्वाइप कर लिया और एक चार्ज कर लिया और दोबारा स्वाइप मार दिया, आपको नहीं पता। अब वो पाँच दफ़ा चार्जेस बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। आप वो कहेंगे, जब आप कहेंगे कि ये मेरे पास डबल चार्ज हुआ, क्योंकि सर गलती हो गई हम रिटर्न कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि उन जगहों पे कोई एक ऐसे लोग मौजूद हों जिनके पास एक बहुत नन्ही मुन्नी डिवाइस मौजूद है, जब आपकी वो मशीन तक लेके भी जा रहे कार्ड उस पर खुद स्वाइप कर दें, तो आपके पूरे कार्ड का डाटा मशीन पर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर हो जाएगा तो वो किसी आगे जाके वो ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा होता है। बेटा सेल क्या हो रहा होता है? आपके कार्ड के नंबर सेल होता है, आपका एक्सपायरी कोड उसके अंदर आ रहा होता है, और ये चीज़ें आपको मार्केट में जो है वो ब्लैक मार्केट में बहुत मज़े से सेल की जा रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ मांगी जाती है, इट्स अ फैक्ट। पहली चीज़ तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ आपसे मांग रही है वो अपनी सेफ्टी के लिए मांग रही है। लेकिन इसके भी आपकी पर्सनल एंट्री भी इसको सिक्योर करने के मल्टीपल थिंग हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी यानी कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नो कि आप पीछे की उसको तस्वीर दें, फ्रंट आप दे दें, बैक की आप नहीं दें। अगर किसी वजह से बेहाल की मजबूरी आपको देनी भी पड़े बैक की, तो आप अपना वो जो 3-digit नंबर आप उसको रिमूव कर दें, ब्लैंक करवा दें, कुछ भी करवा दें उसको करवाते हुए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपसे जो वेरीफिकेशन मांगती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि आप पीछे का हिस्सा नहीं देंगे कॉपी करके। अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट में आपके पास आपका नाम होता है उस पर लिखा हुआ, आपका नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है। ये तीन क्रिटिकल चीज़ें हैं। आमतौर पर मेरी जो एक नॉर्मल आदत है, जब अगर कोई मुझसे भी मांग रहा है, मैं शुरू के मैं सिर्फ आखिरी 4-digit देता हूँ, बाकी कार्ड को मैं ब्लैंक आउट कर लेता हूँ अगर कोई इसकी ज़रूरत पड़ती भी है तो। ये चीज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। एक्सपायरी को भी आप ब्लैंक आउट कर सकते हैं। जब एक कार्ड प्रोसेसर जब चल रहा होता है उसको आपका कार्ड का नंबर चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, और पीछे जो CVV कोड है कुछ मामलों में चाहिए होते हैं, कुछ मामलों में वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ये आपके उस प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपने उसको अपना पूरा 16-digit का कार्ड नंबर दे दिया
और आपने एक्सपायरी डेट दे दी, तो आपने 80% इन्फॉर्मेशन उसको दे दी। उसको आपका नाम जानने की ज़रूरत नहीं, उसको आपका CVV कोड, आपका जो पीछे जो लिखा होता है 3 डिजिट को, वो होता है 99% यूज इंटरनेट की ट्रांजेक्शन में। जब आप पॉज पे जाते हैं, जब आप स्वाइप करते हैं, तो स्वाइप पे वो CVV कोड नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो जब इंटरनेट की ट्रांजेक्शन पे जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई आपसे, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की और कहते हैं कि आप अपनी ID भी भेजें और कार्ड की कॉपी भेजें, अब फ्रंट का उसको भिजवा के आप वो पहले के जो 3 जो 12 नंबर हैं वो आप वो कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। इनके पास 2-3 मैकेनिज्म होते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट होते हैं, आप जिसको कह लें। कॉन आर्टिस्ट का काम ये होता है आपके साथ गपशप लगा लगा के जो चीज़ों को वो कर रहा होता है, आपको वो बहाना बना के देंगे कि जी हम आपको वैकेशन पैकेज दे रहे हैं, हम आपको कोई इंतहाई स्पेशल किस्म की कोई चीज़ दे रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की जो एक टेक्निक है वो ये करते हैं, आपको कॉल करेंगे, इनको नहीं पता आप क्या, ये आपका डाटा इनके पास, अच्छा इनके पास आपका पार्शल डाटा मौजूद है और कुछ केसेस में फुल डाटा भी मौजूद है। फुल डाटा मीन उनके पास आपकी NIC की कॉपियाँ होंगी। हम खुद देते हैं, किस लिए देते हैं, हमें बाहर एक सिम चाहिए, जो भी सड़क पर ख़राब है उसको अपने क्रेडिट, उसके अपने NIC की कॉपी दे दी विदाउट प्रोसेसिंग और एनीथिंग, विदाउट वेरीफाइंग, उसने भी आपको सिम मज़े से भेज दी। आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि भाई जो आपकी, जब मैं फिंगर नेल थंबनेल कर ले रहा हूँ तो आपको ज़रूरत क्या है मेरे NIC की कॉपी की जो है। और उसमें ये होता है कि वो कॉपियाँ बाज़ दफ़ा गलत हाथों में चली जाती हैं। जब वो गलत हाथों में जाती हैं तो वो NIC में आपका NIC नंबर भी है, एड्रेस भी है, रहाइश भी है, सब कुछ आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री मेंशन हुई भी होती है। पहली चीज़ वो कॉल ऐसे वक्त में करेंगे जब उनको पता है कि आप बिजी हैं या आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा होगा आपके पास। फिर बाकायदा आप कॉल करके रैप ये कहेगा, जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपका नाम यह है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यह है, आपका NIC नंबर ये। जब आपने 3 चीज़ें बता दी तो मुझ जैसा एक्सपर्ट बंदा भी कभी कभार कुछ मौक़ों पर धोखा खा जाते, कहीं ये वाकई में बैंक वाले ही होंगे। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े, अगर आप रीएक्टिवेट नहीं करवा रहे या आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, अगर आप रीएक्टिवेट नहीं करवाएंगे ये, अच्छा वो कैसे यूज़र को सेटिस्फाई इसी तरह करेंगे, जी आपका NIC नंबर यह है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यह है। ये 2 चीज़ें जब दे दी तो वो कहेगा भी बैंक को मैंने दी नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेंगे जी किस बैंक में आपका अकाउंट है, किस तरह की चीज़, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। उसके बाद अगर आपका वो बैंक का अकाउंट आपके फ़ोन से लिंक्ड होता है तो आपको उनके साथ ही जो लोग वहाँ बैठे हुए होंगे वो फ़ौरन उसको कोड को टाइप करेंगे, लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, पता चलेगा कि भाई अब पिन कोड आना है आपके फ़ोन के अंदर एज अ OTP सेकंड वैल्यू। वो आपसे वो पिन कोड मांगेंगे, कोई भी बहाना करेंगे, जी हमने कोड भेजा, देखें हमारे पास एक्सेस नहीं है, हमारा सिस्टम ख़राब हुआ है, लेकिन आपके पास भी आया होगा। ये किसी सूरत में इनको नहीं देना। जब आपके डेबिट कार्ड से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी होती है और आपको अलर्ट आया रात के 2 बजे कि जी आपके डेबिट कार्ड से एक्स अमाउंट निकल गया आपके अकाउंट में, तो जो आपने ऑथराइज भी नहीं किया, ठीक है ना, उसमें आप बैंक को इमीडिएट इन्फॉर्म कर दें और आप अपना टाइम नोट कर लें कि मैंने इस वक्त आपको ये चीज़ का इन्फॉर्म, और आप उस कार्ड को ब्लॉक करवा दें। अब जो सबसे बड़ा और जो कॉम्प्लेक्स अब जो मसले आ रहे हैं कि लोग जो मुख्तलिफ फ़ोन की जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जिनसे वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के, बड़ा अमाउंट थे छोटे अमाउंट, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप उनको भी फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। मुझे जहाँ तक अब तक मालूमात मिली है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन सर्विसेज के साथ आ रहा है कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए, दूसरी पार्टी ने वहाँ से पैसे भी निकाल लिए, वो बैठा हुआ होगा कहीं दूर दराज इलाके के अंदर, वहाँ पे कहेगा जी मेरी पेमेंट आई हुई है, कोड आया हुआ है, वो वहाँ से पैसे उसको रिट्रीव करवा लेगा। लेकिन जब तक आप इमीडिएटली अपनी उस सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बताएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी सुबह हम बैंक से जाके बात करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे बैंक का भी एक कानून मौजूद है जिसमें ना FIA इन्वॉल्व होती है, ना आपकी लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती है, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग मुतसिब का, वो आपका केस देन एंड देयर फैसला सुना देते हैं। उसमें आपको ना किसी लॉयर की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारे रेगुलर ऑम्बड्समैन का केस होता है आपको लॉयर की जरूरत, जिस तरह बैंकिंग मुतसिब में भी कोई ऐसी आपको लॉयर की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ही बड़े किस्म का फ्रॉड हुआ हो, जिसको हम कहते हैं कि जो लाखों में हो, करोड़ों में हो, जिसको आप बिजनेस फ्रॉड की तरफ आप जाते हैं, उसके लिए अगेन आपके पास रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आप FIA का साइबर क्राइम सर्कल है NR3C.gov.pk, वहाँ पर जाकर सबसे पहले आप अपने प्रूफ के साथ वो कंप्लेंट लॉन्च करवाते हैं। उसके 1 या 2 दिन बाद वो खुद ही आपको कॉल करेंगे, आपसे मालूमात लेंगे और मुतालिका जो भी उनकी रेलिवेंट ब्रांच है वो आपसे रब्ता करके उसकी डिटेल करके फिर उसकी इंक्वायरी प्रोसेस करेगी।
हमारे इन सारी बुराइयों की जो जड़ है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर पायलटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उन क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का नुकसान ये होता है कि जब एंटीवायरस जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो क्रैक को उड़ा देता है, जो यानी जिस तरीके से आपने उसको क्रैक किया, जो सॉफ्टवेयर को कहते हैं जी चलने देते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको उड़ा देता है। वो कहता है नहीं ये वायरस की फॉर्म है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। जब रिमूव करते हैं तो आपका पीसी चलना बंद हो जाता है। तो आप एक तरह से कंपनसेट कर रहे हैं कि जी चूँकि मेरी चीज़ें चलती रहें, मैं कोई बात नहीं, मेरा एंटीवायरस नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें खुद से डाउनलोड करते हैं। मैं नहीं करूँगा, शायद मेरा बेटा करेगा, मेरा भाई करेगा, मेरी बहन मूवियाँ डाउनलोड कर ले, सॉफ्टवेयर ये इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, गेम्स डाउनलोड कर ले, जिसको हम टोरेंट्स कहते हैं। वो टोरेंट के थ्रू या किसी और तरीके से थ्रू जब वो डाउनलोड होती है, वो प्रैक्टिकली तो इलीगल डाउनलोड होती है नंबर वन। फिर बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स से वो लगा ही इसलिए होती है कि वो उस सॉफ्टवेयर को आप खुद अपने पास डाउनलोड करके जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये वही बात है कि मैंने एक जहर का इंजेक्शन लिया और ख़ुद लेके उसको लगा लिया। अब आपके कंप्यूटर की सारी मालूमात, नेट बैंकिंग तो आप दूर की बात है, आपका वेब कैम, आपकी कीबोर्ड पर आप टाइप कर रहे हैं, आपकी सारी फाइलें, आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, सारी की सारी हिस्ट्री उस हैकर या उस बंदे तक पहुंच रही है जिसकी जिसका आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। दूसरा हमारे पास मसला आ रहा है रैनसमवेयर का भी। रैनसमवेयर ये करता है आपकी पूरी मालूमात किसी भी किस्म के इनक्रिप्ट कर दी और फिर उसके पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं। उसमें एंटीवायरस से ज़्यादा बड़ा रोल ये होता है कि जब विंडोज़ या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जब अपडेट्स आ रही होती हैं, हम कभी अपडेट करना शायद समझते ही नहीं कि उसको अपडेट किया जाए, बस चल रहा है ना चलने दो, हमारा ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो है। तो ये जब पैच नहीं होता तो वो उसकी उस वीकनेस का हिसाब लगा के उस तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक आसान लफ्ज में समझना है कि मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है, तो आप ये समझ लें कि आपके घर में अगर कभी खुदा ना खासा चोरी हो या डकैती हो, कुछ भी हो, तो क्या क्या कुछ हो सकता है, वह सब आपके साथ कंप्यूटर में भी हो सकता है।